नमस्कार चेला, नमस्कार। कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? तो देखो बच्चों, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाएगा 12वीं का, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। ना बीटेक में जा सकते हो एडमिशन लेने, ना किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ना पॉलिटेक्निक वाले में जा सकते हो, और ना ही बैंक, रेलवे, SSC की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर नहीं जा सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा समय है, घबराहट भरा समय, धकधकाहट भरा समय, जब तक बीत नहीं जाएगा, जब तक आप ये जान नहीं जाओगे कि आप सेकंड डिवीजन वाले हो कि थर्ड डिवीजन वाले हो कि फर्स्ट डिवीजन वाले हो कि डिटेंशन वाले हो कि मेरिट लिस्ट वाले हो। कुछ लोगों को IIT का एग्ज़ाम देना है, कुछ लोगों को नीट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन नीट वाले, IIT वाले ज़्यादा धकधका रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो परसेंटेज की भी ज़रूरत है। शहर इनके लिए इंतज़ार कर रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग गोरखपुर से लेकर के कोटा तक, बीच में दिल्ली भी है, लेकिन गोरखपुर से लेकर कोटा, राजस्थान तक की सारी कोचिंग आपके जाने और आपके आने का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन ऐसे में आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या, नहीं कहेंगे इसको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 12वीं का रिजल्ट देखना, अपने आप को देखना कि मैं किस लायक हो पाया हूँ। 12वीं की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में आप किस लायक हो पाए हैं, आप अपने आप को देखना चाहते हैं। सही बात है ना? तो यार, इंतज़ार की घड़ी तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना। आज 3 जून है, एक सप्ताह और बचा है। एक सप्ताह के अंदर आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि आप BTech का फर्स्ट सेमेस्टर पास करेंगे, BA BSc का फर्स्ट ईयर पास करेंगे, या इंटर के बाद कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम पास करेंगे, तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इंटरमीडिएट 12वीं का एग्ज़ाम पास करने पर होगी। उतना घबराहट भी नहीं होगा रिजल्ट आने से पहले जितना घबराहट 12वीं का रिजल्ट आने से पहले हो रहा है। रिजल्ट आने का इंतज़ार इतना बेसब्री से हो रहा है, उतना इंतज़ार जीवन में कोई भी रिजल्ट आएगा उतना बेसब्री से इंतज़ार आप नहीं करोगे जितना बेसब्री से इंतज़ार 12वीं का रिजल्ट के लिए आप कर रहे हो। ये हकीकत है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात के सत्यापन के लिए आप अपने से सीनियर, 2-4 साल 5 साल 6 साल सीनियर, अपने घर के, रिलेशन के या पड़ोस के स्टूडेंट से ज़रा पूछ लीजिएगा कि भैया, आपका 12वीं का रिजल्ट आया था तो उस समय आपके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा था, और उसके बाद आप जब BA फाइनल किए, BTech फाइनल किए, या कुछ भी फाइनल किए, तो क्या रिएक्शन आ रहा था। मैं एकेडमिक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी का जॉब लग गया, वो रिजल्ट आ गया, तो उसकी बात अलग है, जॉब सेक्टर की बात अलग है, बट स्कूली पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूँ। स्कूली पढ़ाई में 12वीं का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, सच बता रहा हूँ, और 10वीं का रिजल्ट भी बहुत मायने रखता है। एक छात्र के जीवन में पूरे प्रदेश लेवल का 25-26 लाख छात्रों के बीच में से 10वीं के छात्र अपना किस्मत आजमाएंगे, देखेंगे। 25-26 लाख 12वीं के छात्र भी हैं, तो ये भी अपना किस्मत देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताया, आगे भी बहुत बातें हैं बताऊंगा। आपको कौन से फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाना चाहिए, कौन से फील्ड का स्कोप ख़राब हो गया है, कौन से फील्ड में आप जाओगे तो बेहतर रहेगा, कौन से फील्ड में पढ़ाई करना आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर होगा, कौन से फील्ड की पढ़ाई अब एकदम से चौपट हो चुकी है, सारी बात बतियाएंगे। लेकिन रिजल्ट तो आने दीजिए पहले, ये तो आपके अंदर एक साहस होने दीजिए ना कि हाँ, मेरा इतना परसेंट है या मैं पास हूँ तो मैं आगे जाके पढ़ सकूँ। बहुत बच्चों को डाउट है, क्या होगा अंजाम खुदा जाने, ऐसी बातें आप सोच रहे हो ना। लेकिन अंजाम अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा कॉपी में, जिन लोगों ने बहुत बेकार तरीके से लिखा, जिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं भगवान से विनती करूँगा कि भगवान उन्हें भी भरोसा दिलाए और जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन उनको भी मुस्कुराने का अवसर दे। ऐसा मेरा ऊपर वाले से विनती है कि आपके लिए एक मुस्कुराहट वाला दिन हो, जिस दिन रिजल्ट निकले वो दिन मुस्कुराहट वाला हो। ऐसा मत कोई करना कि जिस दिन भुला दूँ तेरा, कैसे गाना है, जिस दिन निकल जाए UP बोर्ड का रिजल्ट वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, ऐसी कोई घटना नहीं घटने पाए। तो बेटा, अगर किसी के साथ कोई अप्रिय रिजल्ट आ जाता है, बैड रिजल्ट होता किसी का, तो वो जीवन में ये सोचेगा कि ऊपर वाले ने उसे एक मौका और दिया,
बेहतर तैयारी के लिए एक मौका और दिया है, बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए फिर से तैयार करने को बोला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, योगी जी के आशीर्वाद से सारे छात्रों को पास कर दिया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यार तसल्ली आपको होनी चाहिए, मुझे तो तसल्ली है कि भाई छात्रों के साथ बेहतर होगा, जो फेल होने की स्थिति में है उनको भी घीस घास के धक्का लगा के पास होने के बॉर्डर पे ला दिया जाएगा। और कह दिया जाएगा ये बॉर्डर पास होने वाला है, जाओ अब जीवन में पास होते रहना। ठीक है, तो बातें बहुत कर रहा हूँ, कुछ लोग गुस्सा रहे हैं, कुछ तो लोग कह रहे हैं यार एकेडमिक वीडियो नहीं लाते सर, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस वाला वीडियो नहीं लाते सर। तो जब आप देखते नहीं हो तो क्यों लाएं? अब ये रिजल्ट वाला वीडियो देखना, 3,000 4,000 5,000 10,000 लोग देख लेंगे। अभी मैं इंटर के कोई वीडियो डाल दूँ एकेडमिक या पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का डाल दूँ तो 1,000 लोग देखते देखते थक जाएंगे। तो अभी बताओ आपके बीच की जनता जिस चीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करेगी, मैं वही दिखाना पसंद करूँगा ना। खैर ऐसी बात नहीं है कि मैं उस तरह की वीडियो नहीं लाऊँगा, मैं क्लास की वीडियो लाऊँगा, बट अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आपका धड़कन का रफ्तार नॉर्मल नहीं हो जाता है, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको सब्र दिलाता रहूँ, आपको धैर्य आत्मविश्वास और साहस दिलवाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय तक मेरी बेफजूल की बातें सुनने के लिए। थैंक यू।